26 जुलाई से देश भर में होगा चक्का जाम। मौजूदा सरकार के नए नए फरमान और आम आदमी और छोटे बड़े व्यापारों पर पड़ने वाले असर को लेकर कई बार विरोध दिखाया गया, लेकिन इस बार ईंधन की बढ़ती कीमतें और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कमी की मांग को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन ने देशव्यापी चक्का जाम की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस 20 जुलाई सुबह 6 बजे से इनडेफिनेट चक्का जाम पूरे देश भर में करेगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो भी हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, जोनल लीडरशिप है, वो डिस्ट्रिक्ट तालुका में जा जाके हर एक राज्यों में जा जाके अपनी जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है उनको अपने मुद्दों के बारे में जहाँ तक बता रहे हैं और उनका समर्थन हासिल कर रहे हैं। जो डीजल की कीमतें हैं जो कि लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन आज क्रूड जो कि एक समय में 40 रुपये हुआ, 45 हुआ, 50 हुआ, 55 हुआ, आज कहीं 65 70 में है, लेकिन आज भी हमें जो तेल की कीमतों का भुगतान 75 रुपये करना पड़ रहा है। दिन ब दिन जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये हमारे उद्योग को ऐसे स्लो पॉइजन इस उद्योग को ख़त्म कर रही हैं। हमने सरकार से कई बार इसके बारे में विचार रखे हैं। इमीडिएट जो इसके जो सलूशन है, आप जो अपनी एक्साइज ड्यूटीज हैं और जो स्टेट के वैट टैक्सेस हैं, वैसा कोई एक्साइज ड्यूटीज कम करें कि इमीडिएट इस उद्योग को राहत मिले। और जो रोज रोज की कीमतें बढ़ रही हैं, इसे आप क्वार्टरली रिव्यू करिए, 3 महीने में एक बार इसे रिव्यू करिए। और देश भर में एक सामान्य की तेल की कीमतें होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में हमने ये सुझाव दिया है कि इसको जल्द ही GST के दायरे में लाया जाए, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी GST के दायरे में तुरंत लाया जाए। इस आंदोलन का मकसद ईंधन को GST के दायरे में लाना, टोल प्रणाली को बदलना, टूरिस्ट बसों को ऑल इंडिया परमिट मिलने जैसी कई मामलों को लेकर सरकार के साथ बातचीत करने के बाद कोई रास्ता ना निकालने पर ऐसा फैसला ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किया है। हमने काफी समय से एक प्रस्ताव दिया है कि हमें टोल बैरियर फ्री इंडिया चाहिए। हम सरकार को जितनी भी टोल के माध्यम से उनकी राशि इकट्ठी कर रहे हैं, लगभग जो लास्ट डाटा हमारे पास उपलब्ध है, 17,000 या 18,000 करोड़ प्रति वर्ष जो सरकार टोल के माध्यम से इकट्ठा कर रहा है, हम उसका भुगतान करने को तैयार हैं। हमने यह प्रस्ताव दिया है कि हमें टोल परमिट दीजिए ऑन द लाइंस ऑफ द नेशनल परमिट, और या फिर और कोई भी मेथोलॉजी आप अडॉप्ट करिए जिसमें आप हमसे जो टोल की राशि जो 18,000 करोड़ आप वसूल रहे हैं उसका हम भुगतान करें। जगह जगह पर रोक कर हमसे जो टोल वसूला जा रहा है इसे आप बंद करें, कि जहां पर सरकार सिर्फ 18,000 करोड़ की राशि टोल के माध्यम से इकट्ठा करती है, 1,47,000 करोड़ का सुलाना नुकसान जो कि टोल नाकों पे हम खड़े रहकर समय की बर्बादी होती है, ईंधन की बर्बादी होती है, उस माध्यम से करते हैं। हम चाहते हैं कि टोल बैरियर फ्री इंडिया हो, जहां पर हमें सीमलेस जर्नी करने का एक जो उद्देश्य देश का है, हम ज़्यादा सफ़र कर सकें, जो पोल्यूशन जो बढ़ रहा है रुक रुक कर उसमें कहीं ना कहीं कमी हो और आम जनता को इससे राहत मिले। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम जो हर बरस कोई पारदर्शिता के बिना आप हर बरस बढ़ा रहे हैं, हमारी कई मीटिंगें हुई, हमने यही कहा है कि आप जो भी आपका अगर नुकसान है वो डाटा हमें उपलब्ध करवाइए, लेकिन अफसोस है कि आज तक हमारे से कोई भी IRDA ने कोई भी डाटा हमें उपलब्ध नहीं करवाया है। थर्ड पार्टी प्रीमियम जो है लायबिलिटी जो पॉलिसी है वो मैंडेटरी है हम पर। हमारा ये मानना है कि अगर ये मैंडेटरी है तो इसमें GST का जो भुगतान हम कर रहे हैं वो हम पर नहीं लागू होना चाहिए, और 15% जो आप थर्ड पार्टी प्रीमियम पे एजेंट को कमीशन देते हैं ये भी हमें माफ होना चाहिए, यानी 33% की इमीडिएट रिडक्शन होना चाहिए, और जो आपने बढ़ोतरी की है उसको पारदर्शिता में लाते हुए उसमें जो उचित हो वो बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसी तरह हमारे जो मुद्दे हैं, नेशनल परमिट फॉर द टूरिस्ट बसेस, मैक्सी कैब्स, टूरिस्ट कैब्स जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जिस तरह पर कॉमर्शियल व्हीकल को आपने नेशनल परमिट दिया है कि एक गाड़ी एक परमिट पे कहीं भी कश्मीर से कन्याकुमारी का सफ़र कर सकती है, इसी तरह जो बसेस हैं
जो कि एक बहुत बड़ा साधन है एक पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आप नेशनल परमिट उन्हें दीजिए। इसी तरह मैक्सी कैब टैक्सी छोटी जो है जो भी जो गाड़ियां हैं इनको भी नेशनल परमिट मिले। और इसके अलावा जो ईवे बिल जो TDS 2% की जो कटौती हमारे जो बिलों से जो हमारी पार्टियां इनकम टैक्स के माध्यम से करती हैं ये TDS हमने रिप्रेजेंटेशन करने के बाद में जब कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर TDS को मुक्त किया था। लेकिन अभी ये मौजूदा सरकार ने 2 बरस पहले अरुण जेटली जी ने फिर ये TDS का भार हमारे ऊपर लादा है। हमारा नियंत्रण उनसे प्रयास चल रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को TDS से मुक्त किया जाए क्योंकि इसमें एक नहीं अनेक परेशानियां हमारे को झेलनी पड़ रही हैं जिसका विस्तार में उनको हमने निवेदन दे चुके हैं। तो ये भी हमारी मांग है कि TDS को जैसे पहले प्रथा थी 6 बरस पहले वही प्रथा में लेके आया जाए TDS एबोलिशन हो रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे। DPD जो है डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी का जो टेंडरिंग जो पोर्ट्स नवाशिया में हुआ है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 कॉन्ट्रैक्टर्स को उनकी एलिजिबिलिटी देखते हुए उनको ठेका दिया गया है और जो 400 से 500 जो छोटे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो रहे हैं। और पोर्ट कंजेशन आप देखेंगे कि 4-4 दिन गाड़ियां जो पोर्ट्स में खड़ी रहती हैं उसमें हमारा जो वाहन है इनको वेयर हाउस के रूप में यूज़ किया जाता है और इसमें हमारे काफ़ी नुकसान होता है। अगर देश का विकास करना है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है तो पोर्ट कंजेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको संज्ञान में हम लेके आ रहे हैं और इसके बारे में तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई हो कि जो हमारी गाड़ियां 4-4 दिन वहां पर खड़ी रहती हैं उनको वो वेटिंग पीरियड ना हो। हमने काफ़ी समय सरकार को दिया है 2 महीने का समय सरकार के पास रखा है लाया है और उसमें यह भी जिक्र किया है कि अगर इसका उचित हमारे अनुसार कोई हल नहीं निकलता 20 जुलाई तक तो 20 जुलाई के सुबह 6 बजे से पूरे देश में जहाँ जहाँ पर गाड़ी होगी उसका चक्का वहीं वहीं जाम हो जाएगा।